राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। अभी अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस निकाला है, तो ये नोटिस में कुछ बदलाव किया है, मैं आपको बता देता हूँ बदलाव क्या किया है। तो हम नीचे आ चुके हैं भाई, यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट के ऊपर अगर जाओगे तो एक पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी, जो कि आपके सीईटी ग्रुप डी की रिगार्डिंग है। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन किया है, ये जो है ना कुछ बदलाव, कुछ अमेंडमेंट हुआ है एक तरीके से। इसमें जो ग्रुप डी के जो बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं उसके लिए जो एनेक्सर 5 जो है ना, वो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो ये वाला जो बनाना है। इसका जो पीडीएफ का जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको अपना चैनल मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और ऐसा ही सेम फॉर्मेट में अपना जो ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो आपका ऐसा बनेगा। तो इसमें कुछ भी बदलाव, अगर मतलब पहले कुछ और था लेकिन थोड़ा सा अपडेट होके अब अलग बन चुका है। तो आप सभी साथी जितने भी जो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं, तो इस चीज को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें आपका नया फॉर्मेट चलेगा, पहले का फॉर्मेट जो है वो नहीं चलेगा। ये जो है ये आपका वैलिड रहेगा पूरा 2023 से लेकर 2024 तक। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।